क्या हुआ? वो देखो। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। राधा, अगर तुम इस तरह का ड्रेस पहनोगी ना तो तुम एकदम लंदन की मेन लगोगी। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर तुम बहुत अच्छी लगोगी। तो तुमको हमारा मेम बनना पसंद है? ऑफ कोर्स, हमें लंदन में रहना होगा, और अगर तुम इस तरह का ड्रेस पहनोगी तो तुम एकदम यूरोप और अमेरिका के लोगों की तरह लगोगी। ठीक है, तुम्हारे लिए ये ड्रेस भी पहन लेंगे। दैट इज व्हाई आई लव यू। चलो। बारमैन, टू ऑरेंज जूस प्लीज। यस सर। लो, पियो। जी नहीं, मैं पीती नहीं। जो समंदर में गोता लगाते हैं वो भीग कर जाते हैं, और जो बाहर में आते हैं वो दो दो पग पीक कर जाते हैं। लो, पियो। मैंने कहा ना, प्लीज नो। पियो। ठीक है, आप कहते हैं तो। देखिए मिस्टर शराबी जेंटलमैन, जब कोई लड़की ना कहे तो उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। अबे तू हमारे बीच बोलने वाला कौन है? हमारा और इनका मामला इश्क और रोमांस को पार करके शादी की ओर जा रहा है, और अगर आपने इनको छूने की कोशिश की तो मैं आपको तोड़ फोड़ दूंगा। तू मुझे तोड़ेगा? मुझे फोड़ेगा? हाँ। अरे अब बकवास बंद कर, वरना मैं तेरा कबाब बना दूंगा, क्योंकि ये लड़की मुझे चाहिए। लड़की चाहिए आपको? यस। क्यों, आप इनसे राखी बनवाएंगे? तो फिर एक काम करते हैं। क्या? ये रुपया मैं आपकी हथेली में रखता हूँ, तीन गिनने के बाद अगर आपने हथेली बंद कर ली और ये रुपया आपकी हथेली में रह गया तो ये लड़की आपकी। लेकिन तीन गिनने के बाद आपकी हथेली बंद होने से पहले अगर ये रुपया मैंने निकाल लिया तो ये लड़की मेरी। मंजूर है? मंजूर है। वेरी गुड। एक, दो। कॉइन मेरे हाथ में तो लड़की मेरी। आपका जुखा, हम लोग चलते हैं। बाय बाय। अब भी लड़की चाहिए? बाज नहीं आएगा ना? नहीं। ये क्या हुआ? कुंग फू लॉक, हिंदी ताला लगा दिया। क्या? चले, चलो। अच्छा, इस बेचारे का ताला खोल दो प्लीज। तुम कहती तो खोल देता हूँ। चलो लड़की। अच्छा श्याम, मैं चलूं? हमेशा आती हो जाती हो, लेकिन घर कभी नहीं बुलाती हो। घर बुलाओ, मम्मी डैडी से मिलवाओ। जरूर मिलवाऊंगी। लेकिन कब? वक्त आने पर। ये वक्त कब आएगा? बहुत जल्द। वैसे मैं तुमसे कल मिलूंगी। अच्छा, चलो। बाय श्याम। बाय। बाय बाय।
आपके लिए लंदन हॉस्पिटल से कॉल है। ओके। हेलो, आपकी माँ का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी आइए। ओह माय गॉड। तेरे दादी का हत्यारा है। जब तुम हिंदुस्तान जाएगा ना, तो इस भेड़िए को जरूर ढूंढना। इसने तेरे दादी की दौलत हड़पने के लिए तुझे अनाथ और मुझे विधवा बना दिया था। खून का बदला लेना है। हाँ माँ, हाँ। ये मेरी आखिरी इच्छा है। कौन? तेरी मौत। जान क्यों लेना चाहते हो? इसलिए कि तुम मेरे बाप के कातिल हो। ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारे बाप का कातिल हूँ? मेरी माँ ने। तुम्हारी माँ ने? तुम्हारे बाप का नाम? एसके मल्होत्रा, जिनका खून तुमने किया है। एसके मल्होत्रा? वो तुम्हारे पिता थे? लेकिन बेटे, तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है कि मैंने उनकी हत्या की थी? सबूत? ये तस्वीर जो मरते वक्त मेरी माँ ने मुझे ये कह के दी थी कि यही तेरे बाप का कातिल है। अब कह दो कि ये तस्वीर भी तुम्हारी नहीं है। नहीं बेटे, ये तस्वीर मेरी नहीं बल्कि मेरे जुड़वां भाई सोहन सिंह की है। इसका सबूत तुम्हें अभी मिल जाएगा, और अगर इसके बाद भी तुम्हें यकीन ना आए बेटे, तो इसमें 6 गोलियां हैं, सबकी सब मेरे सीने में उतार देना। लो। दरिंदे ने दौलत के लिए सिर्फ तुम्हारे डैडी को ही नहीं बल्कि हमारे अपने पिता को मार डाला, अपने बड़े भाई का खून कर डाला, अपनी छोटी बहन की दौलत हड़पने के लिए से अपनी ही बहन और उसके पति का खून कर डाला, और उन खूनों का इल्जाम मेरे सर मन डाला और मुझे 14 साल के लिए जेल भेज दिया। अगर अब भी तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा है तो रिवॉल्वर है तुम्हारे हाथ में, उतार दो 6 की 6 गोलियां मेरे सीने में। नहीं सर, आई एम सॉरी।